गिलगित बल्तिस्तान के 17वीं सदी के हुक्मरानों में से एक हुक्मरान जो कि मलका जवाहर खातून ददी जवारी के नाम से मशहूर रही है। इन्हें गिलगित बल्तिस्तान की पहली खातून हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है। इनका दौरे हुकूमत 55 सालों पर मुहित था। इनके दौरे हुकूमत में अवामी फलाह व बहबूद के कई तारीख साज काम अंजाम पाए जिनमें आबपाशी और नहरों का एक मरबूत निज़ाम शामिल था जो कि आज भी मौजूद है। उन्होंने आवाम को पीने का साफ पानी और आबपाशी के लिए दो नहरें निकाली जो कि एक अहम कारनामा है। गिलगित बल्तिस्तान का बच्चा बच्चा ददी जवारी के नाम और उनके खदमात से वाकिफ है। जवाहर खातून इंतहाई दानिशमंद और दुरंदेश थी। रानी जवाहर खातून अपने वक्त की एक मुदब्बर और बेहतरीन हुक्मरान साबित हुई। अब तक गिलगित में जितने भी हुक्मरानों ने हुकूमत की है उन सब में जवाहर खातून नुमाया नज़र आती हैं। सल्तनत का हर काम और हर गोशे पर उनकी नज़र थी। 17वीं सदी में दादी जवारी की पॉलिसीज तहरीरी नहीं थीं, अलबत्त इनकी तर्ज हुक्मरानी आज भी हुक्मरानों के लिए मशले राह है। वो अवाम दोस्त और दुरंदेश हुक्मरान थीं। इनको गिलगित के बासियों की मुश्किलात का बखूबी इदराक था और वो इनका हल निकालने के लिए खलूस नीयत से कमर बस्ता थीं। उन्होंने हुनरमंद लोगों को दारेल के इलाके से तलाश करके गिलगित ले आईं और चैनल बनाने का अहम काम इनके हवाले किया। इनका विजन बहुत ऊंचा था। इनके कारनामे जो 500 साल गुजरने के बावजूद आज तक मकामी लोगों को याद है। गिलगित बल्तिस्तान के मशहूर तारीखदान शेरबाज बर्चा दादी जवारी के हवाले से बात करते हुए कहते हैं, दो अहम चैनल्स अजीनी दलजा और खिरीनी दलजा इनके दौरे हुकूमत में बनाए गए थे। चैनल्स उस वक्त के मौजूदा बस्तियों को बढ़ाने में मदद के लिए बनाए गए थे जो बर्मस जुटियाल और नपूरा तक महदूद थी। ददी जवारी अपने वक्त की एक मशहूर रिफॉर्मिस्ट थी। मलिका जवार खातून गिलगित की तारीख की एक बहुत बड़ी शख्सियत। ये ख़ानदान तरखन की बहुत ही इसलाहकार और रिफार्मर मलिका थी जिसका ज़माना 17वीं सदी बनता है। तो इनकी शादी पहले सिकरदू हुई। ये खातून ने दो दफ़ा औरंग अफरोज हो गई, दो दफ़ा तख्त पे बैठी। मेरा जो दौर था ये मलिका जवार खातून का, ये बड़ा सुनहरा दौर कहलाता है क्योंकि इस खातून ने अपने दूसरे दौर में लोगों से ये कहा, गिलगितियों से, कि देखें तुम्हारे पास लैंड होल्डिंग्स कम हैं ड्यू टू शार्टेज ऑफ पानी, पानी की कमी की वजह से, तो इसलिए मैं नहरें खुदवाना चाहती हूँ, नहरें निकलवाना चाहती हूँ, तो तुम ऑब्लिगेटरी फैटिक के लिए आगे आओ। तो गिलगितियों ने इनकार किया। माल की बात ये, उस ज़माने में लोहे के औजार नहीं थे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो ये मारखोर की सींगों से खुदाई की, उन्होंने नहरें बनाई और पुश्ते तामीर किए करके एक कामयाब प्रोजेक्ट यहाँ पे लोगों ने देखा। और पानी जब वाफर मकदार में इन नहरों में आया, उसके बाद फिर गिलगिती जो हैं बर्मस जुटियाल और नपूर जो कंजस्टेड एरियाज में रहते थे वहाँ से निकल के फिर मज़ीद ज़मीनें
आबाद करते रहे, तो इस लिहाज से इसका नाम हमेशा ताबनाक रहेगा। आज भी लोग उसकी उसके हक में दुआ करते हैं, तो अच्छे हुक्मरान हो तो राय जो है उन्हें हमेशा याद करती है। मौरखीन ने इनके बारे में लिखा है कि ददी जवारी मर्दों की तरह लिबास पहनती थी और मशहूर गुद सवार थी। वो अपने नाम से अहकामात जारी करती थी। उन्होंने लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने में बहुत दिलचस्पी ली, बहुत से फलाही इकदामात किए और रियासत में बहुत से सड़कें भी बनाईं, जिनसे राबते के निज़ाम में जिद्दत और तब्दीली आ गई। गिलगित बल्तिस्तान की मौजूदा सूबाई हुकूमत ने इक्तदार संभालने के पहले साल ही तारीख की इस अजीम हुक्मरान के नाम से मंसूब सोनी जवारी सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी का क़याम अमल में लाया, जिसका मकसद सोनी जवारी को खराज तहसीन पेश करना और उनके फलाही कामों के विजन को आगे बढ़ाना है।